खबर चरखी दादरी से है, जहां एक वीडियो क्या वायरल हुआ, लोग सोच में पड़ गए। लोगों की तो छोड़िए, पुलिस खुद सोच में पड़ गई। आखिर क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चरखी दादरी से एक वीडियो क्या वायरल हुआ, अपने साथ कई सारे सवाल लेकर आया। सवाल ऐसे कि जिसे इस सभ्य समाज में पूछना वाजिब है और आपका जवाब देना भी बिल्कुल जायज। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो के वायरल होने के बाद चरखी दादरी पुलिस के होश उड़ गए। अब आपको तकरीबन 1.5 महीने पीछे लेकर चलते हैं, जहां से एक कहानी शुरू हुई थी। चरखी दादरी की एक युवती सोशल मीडिया के जरिए एक दोस्त बनाती है और काफी दिनों तक बातचीत के बाद युवती ने उस शख्स पर कई संगीन आरोप लगाने शुरू कर देती है। और तो और, युवती ने थाने जाकर उस शख्स पर रेप जैसे संगीन आरोप में मामला दर्ज करवा देती है। और फिर 1.5 महीने बाद ये वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच जाता है। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जब हमने इस वीडियो के तह में जाने की कोशिश की और ये जानना चाहा कि आखिर इस वीडियो के पीछे सच्चाई क्या है, तो जो सच सामने आया वो आपको भी हैरान कर देगा। दरअसल इस युवती और इसकी मां ने मिलकर रेप के झूठे आरोपों में एक शख्स को फंसाया और फिर मामले में सुलह के नाम पर 4 लाख रुपए ऐड लिए। तो 2000 के नोट और चेहरे की खुशी ये साफ जाहिर कर रही है कि कहानी लंबी है और ये लूट का खेल कोई नया नहीं। इस वीडियो ने चरखी दादरी के उन चेहरों को बेनकाब कर दिया जो चेहरे दिखने में तो मासूम है लेकिन उनके पीछे पैसे का ऐसा लालच छुपा है जो किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो के बाद युवती समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन इस तरह से किसी को रेप जैसे संगीन आरोप में फंसाना आखिर कहां तक सही कहा जाए। जनता टीवी के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।